से प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज हम इस कक्षा में हिंदी वर्णमाला के स्वर को दोहराएंगे, ठीक है? हमने अभी तक अ से उ तक सारे स्वर पढ़े हैं, ठीक है? चलिए आइए इस कक्षा में सारे स्वरों को दोहराते हैं, ठीक है? बहुत अच्छे, शुरू करते हैं अ से। हाँ बोलिए, कौन सा स्वर है ये? अ। हाँ, अ से अनार, अ से अदरक, ठीक है? ये है वर्णमाला का पहला स्वर अ। जी, अब हम वर्णमाला का दूसरा स्वर पढ़ेंगे, दोहराएंगे। आ, ये कौन सा स्वर है? आ। आ से आम, आ से आम, आ से आलू। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये है वर्णमाला का दूसरा स्वर आ। जी चलिए, अब हम वर्णमाला का तीसरा स्वर पढ़ेंगे, ये है ई। हाँ, कौन सी, क्या बोलते हैं इसको? ई। हाँ, इ से इमली, इ से इमली, इ से इलायची, इ से इलायची, ठीक है? बहुत बढ़िया, ये है वर्णमाला का चौथा स्वर ई। क्या है प्यारे बच्चों? ई। ई से ईख, ई से ईख, ई से ईंट, ठीक है? तो ये है ई। जी हाँ, उसके बाद पांचवा स्वर है उ। क्या है? उ। उ से उल्लू, उ से उल्लू, से उपवन, उ से उपवन, ठीक है? ये है वर्णमाला का पांचवा स्वर उ, ठीक है? उसके बाद अगला स्वर है उ। क्या है? उ। हाँ, उ से ऊन, उ से ऊन, और उ से ऊद बिलाओ। जी हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब देखिए, हमारे पास कुछ चित्र हैं और उनको हमें स्वरों के हिसाब से लगाना है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। कौन सा लूं पहले मैं? ये देखिए, ये क्या है बताइए, ये क्या है? अ से अदरक, ये है अ से अदरक, ठीक है प्यारे बच्चों? तो ये हम कहां रखेंगे अ से अदरक? अ से अदरक, अ से अदरक, जी हां। उसके बाद मेरे पास है ये क्या है बताइए? ई से ईख, ई से ईख वाला गाना सुना है ना आपने? ईख खड़ी भाई ईख खड़ी, खम्बे सी है ईख खड़ी। तो ई से ईख को हम कहाँ रखेंगे, कौन से स्वर में रखेंगे बताइए? ई से ईख को हम यहाँ पे रखेंगे, ई से ईख, ई से ईख, ठीक है प्यारे बच्चों? आइए अब देखते हैं अगला स्वर, अगला चित्र। ये क्या है प्यारे बच्चों? आ से आम, आ से आम। अब हम इसको कहां रखेंगे?
क्या आप मुझको बता सकते हैं हम इसको कहां रखेंगे? इसको हम रखेंगे यहां पे, आ से आम, आ से आम, ठीक है। ये देखिए, अब मैंने अगला चित्र उठाया है अपने हाथ में। ये क्या है? ये है ई से ईट, ई से ईट। अब हम इसको कौन कहां रखेंगे, क्या आप बता सकते हैं इसको हम कहां रखेंगे? ई से ईट, इसको हम यहां पे रखेंगे, ई से ईट, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आया मेरे पास, देखिए ये कौन सा चित्र है, ये क्या है बताइए, बता सकते हैं आप ये क्या है? ये है ऊ से ऊन, ऊ से ऊन। तो हम इसको रखेंगे कहां रखेंगे बताइए? हाँ, इसको हम रखेंगे यहां पे, ऊ से ऊन, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद ये देखिए, ये क्या है, ई से इमारत, ई से इमारत। ये कहां रखेंगे बताइए, ये कहां पे आएगा? ई से इमारत कहां आएगा? ई से इमारत यहां पे आएगा, ई से इमारत, ई से इमारत, ठीक है प्यारे बच्चों। अब है मेरे पास, ये देखिए ये क्या है, ई से इमली, ई से इमली। ये कहां पे आएगी इमली? ई से इमली कहां आएगी? ई से इमली, ठीक है प्यारे बच्चों, ई से इमली। उसके बाद मेरे पास है ये देखिए, ये क्या है, क्या आपको पता है ये क्या है? ये है अमरूद, अ से अमरूद, अ से अमरूद। तो अ से अमरूद कहां आएगा? यहां पे आएगा, अ से अमरूद, अ से अमरूद, ठीक है प्यारे बच्चों। अब है अब ये देखिए, ये क्या है, ये बताइए ये क्या है? उ से उपहार, उ से उपहार। हाँ प्यारे बच्चों, ये देखिए ये क्या है, उ से उपहार, उ से उपहार कहाँ आएगा? उ से उपहार यहां पे आएगा, उ से उपहार। हाँ, अब देखिए ये क्या है प्यारे बच्चों, क्या आप बता सकते हैं ये क्या है? ये है ऊ से ऊद बिलाओ, ऊ से ऊद बिलाओ, ऊ से ऊद बिलाओ कहाँ आएगा? ऊ से ऊद बिलाओ यहां पे आएगा,
ये देखिए, ऊ से ऊद बिलाओ, ऊ से ऊद बिलाओ, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये देखिए ये क्या है, ये है आ से आग, ये है आ से आग। ये कहां पे आएगा, कौन से स्वर में आएगा ये आ से आग, आ से आग, आ से आग, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए क्या है, ये देखिए ये क्या है, बता सकते हैं आप मेरे को ये क्या है? ये है उ से उपवन, उ से उपवन, ठीक है। तो ये कहां पे आएगा, उ से उपवन, उ से उपवन, ठीक है। चलिए आइए अब हम शुरू से दोहराते हैं। अ से अदरक, अ से अमरूद, ठीक है। चलिए उसके बाद आ से आग और आ से आम, ठीक है प्यारे बच्चों। ई से इमली, ई से इमारत, उसके बाद ई से ईख, ई से ईट, उ से उपवन और उ से उपहार, उ से ऊद बिलाओ और ऊ से ऊन। जी हाँ, तो ये थे हमारे स्वर अ से ऊ तक, ठीक है। तो अब आपकी गर्मियों की अवकाश हो गए हैं, अब आपके गर्मियों के अवकाश हो गए हैं। खूब सारा एंजॉय करिए और खेलिए कूदिए और स्वस्थ रहिए। नमस्ते।